और अब बात कोरोना के जारी नए आंकड़ों की। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में देश में मौत के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा 6148 दिखाया गया है, लेकिन हम आपको बता दें ये बिहार के संशोधित आंकड़े को जोड़कर दिखाया गया है। बिहार में मौत के आंकड़ों में कल संशोधन किया गया, जिससे इसमें 3951 मौत के केसेस जुड़ गए हैं। यही कारण है कि देश भर में एक दिन में मौत का आंकड़ा 6148 तक पहुंच गया है। जहां तक नए केस का सवाल है, तो देश भर में 24 घंटे में 1,00,000 से कम केस आए हैं। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। चौबीस घंटे में लगभग 1,51,000 लोग ठीक हुए हैं, 1,00,000 से नीचे है। नई संक्रमण दर 94,052 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से पिछले 24 घंटे में। बिहार का संशोधित आंकड़ा जुड़ने से अब कुल मौत का आंकड़ा 6148 पर पहुंच गया है। बिहार में कोरोना से मौत की कुल संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। यह इजाफा मृतकों के आंकड़ों में संशोधन की वजह से हुआ। बिहार में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3951 तक बढ़ गया। इसकी वजह से मृतकों की संख्या 5424 से बढ़कर 9375 हो गई। 18 मई को सरकार ने जांच के लिए टीम बनाई थी और जांच में आंकड़ों की धांधली का खुलासा हुआ है। पूरी तस्वीर देखिए, पहले बताया गया कि बिहार में 5424 लोगों की जान गई है, अब अचानक ये संख्या 9375 हो गई, यानी कि 3951 मौत ज्यादा हुई है। आंकड़ों के इस खेल पर अब बिहार सरकार तर्क दे रही है। सरकार का कहना है कि कई लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हुई, जबकि कई लोग बीमार होने के बाद दूसरे जिलों में चले गए। कुछ लोगों की मौत अस्पताल जाने के क्रम में हुई, कुछ मौतें पोस्ट कोविड हुई, इसलिए मौत के ये आंकड़े जुड़ गए। बड़ा सवाल यह कि क्या सरकार आंकड़ों को छिपा रही थी? अगर छिपा रही थी तो इसके पीछे वजह क्या थी? आंकड़ों से खिलवाड़ करने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आंकड़ों की जांच का काम अभी जारी है? बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में जिस तरह सरकार ने गड़बड़ी की है, जो कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है, सरकार डबल इंजन की बिहार की एक्सपोज हो गई है। कोरोना जांच घोटाला भी पहले हुआ था, अब ये मौत के आंकड़ों का घोटाला सामने आया है। करीब 4,000 मौत के आंकड़ों को सरकार ने छुपाया था, 73% अंतर है मौत के आंकड़ों में। अब सरकार खुद एक्सपोज हुई है, जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, जांच के आदेश दिए, अब सरकार स्वीकार कर रही है कि जो पहले सरकार ने दिया था आंकड़ा, उससे 73% ज्यादा मौत के आंकड़े हैं। आपदा में अवसर को तलाशना कोई बिहार सरकार से सीखे? खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। पटना का ही अगर आंकड़ा देखें तो सरकार ने बताया कि 7 जून को 1200, 8 जून को बता दिया कि नहीं, पटना में 2200 लोगों की मौत हुई। जबकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं, उसके आंकड़े करीब 3200 हैं। तो ये जो फर्क है आंकड़ों में, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार सरकार और उसका सिस्टम, जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है कई मामलों में, कोरोना से हुई मौत को लेकर भी फर्जीवाड़ा दिखा रही है। और अब रुक करेंगे मुंबई का, जहां आज भी बारिश का अलर्ट है। मुंबई की बारिश 11 लोगों की जान पर आफत बनकर आई। बीती रात वेस्ट मलाड में बड़ा हादसा हुआ। बारिश में 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। 7 लोगों को बचा लिया गया है। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। और फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दी गई। Thank you.
हादसा। मुंबई के मलाड में गिरी 4 मंजिला इमारत। चलित कर सकती है। अफरा तफरी मची है। मलबे से जिंदगी को बचाने का काम चल रहा है। ये शख्स खुशकिस्मत है कि उसे बचा लिया गया। राहत कर्मियों ने उसे जब मलबे से निकाला तो शुक्रिया करने में उसने देर नहीं लगाई और दोनों हाथ जोड़ दिए। भारी तादाद में स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम इस कोशिश में है कि किसी तरीके से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए। ये तस्वीरें मुंबई के मलाड के मलवणी इलाके की है। कल रात जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तभी चीख-पुकार मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक तेज आवाज के साथ 4 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हादसा कल रात 10:15 का है। ये हादसा 10:15 के बीच में हुआ। मैं जैसे ही घर पे गया उसी के 10 मिनट जैसे सामान वामान रखा अपने घर पे, तो बाहर से दो बच्चे लड़के यंग करीब 20 या 22 साल का लड़का बाहर से चिल्ला रहा है, अरे भाई उतरो, अरे भाई उतरो करके। इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि बिल्डिंग जब गिरी तो लगा विस्फोट हुआ है। फायर ब्रिगेड आगे आधे से पौने घंटे में आ गई थी, लेकिन धमाका इतना तेज था घर का, ऐसा लग रहा था कि कहीं पे विस्फोट हो गया बहुत बड़ा। हम लोग यहाँ तक थे, यहाँ पे हमारा ऑफिस है। आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई विस्फोट हो गया। ऐसा माहौल था जैसे कोई आंधी तूफान में भी नहीं हुआ ऐसा, ऐसी आवाज इसकी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त बिल्डिंग में 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 17 लोगों को मलबे से निकाला गया है, जिनमें से 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहां से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, उसमें महिला पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को रेस्क्यू करने वाले। मुंबई में कल सुबह से देर शाम तक जोरदार बारिश हुई। ये तस्वीरें कल की हैं, जब मुंबई के तमाम इलाके पानी पानी हो गए। सड़कें तालाब बन गई, सबवे स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। अंधेरी हो या सांता क्रूज, दहिसर हो या हिंद माता, तमाम इलाकों की सूरत ही बदल गई। और रही सही कसर समंदर में आए हाई टाइड ने पूरी कर दी। मलाड के मलवाणी में जहां इमारत गिरी उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि इमारत पहले से ही कमजोर थी। स्थानीय निवासी कहते हैं कि इलाके में ऐसी कई जर्जर इमारतें हैं। तो ये 3-3, 4-4 माले के घर बन गए यहां पे, कलेक्टर कंपाउंड बोलते हैं इसको, 3 से 4-4 माले के यहां पे घर बने हुए। मैं कलेक्टर से ये विनती करूंगा कि आके जो भी आसपास के और भी घर है उनके ऊपर भी चेकिंग की जाए। बीएमसी के लिए जरूरी है इन इमारतों की तत्काल जांच करें, क्योंकि कल के रेड अलर्ट के बाद आज भी ऑरेंज अलर्ट है। बारिश से ऐसी कमजोर इमारतों को खतरा हो सकता है, जिससे कीमती जिंदगियों को नुकसान भी हो सकता है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। रोलिंग। तो आपने देखा किस तरीके से ये मलाड का हादसा हुआ, जिस पर अब जबरदस्त तरीके से सियासत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि हादसा नहीं मर्डर है। राम कदम ने बीएमसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। जब इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे थे, आसमां को छूने वाली झोपड़पट्टियों में हाइट बढ़ाई जा रही थी, ऊंचाई आसमां को छूने जा रही थी, उस समय शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाले नेता क्या कर रहे थे? मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई का सच सामने आ गया। पानी पानी मुंबई बेहाल हो गई, लेकिन ये बस ट्रेलर है, क्योंकि अभी 48 घंटे मुंबई पर भारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई में तेज बारिश के साथ हाई टाइड्स का अलर्ट है। मॉनसून की पहली ही बारिश में मुंबई बेहाल हो गई। एक दिन में बरसात में ही मुंबई की पोल खुल गई।
सारे दावे धरे के धरे रह गए। फिर दिखा वही मंजर, फिर दिखी वही तस्वीर, फिर दिखी डूबी डूबी मुंबई। ऐसा लगा कि हर बारिश में मुंबई की यही नियत है, पानी पानी सड़कें, पानी में डूब डूब कर चलती गाड़ियां, डूब डूब कर चलते लोग। जो घरों में थे वो भी इस कहर से बच नहीं पाए, निचले इलाकों में घरों तक में पानी भर गया, कुछ कारें तो आधी डूब गई। कारण मीठी नदी भर गई है और उस वजह से ना बिल्डिंग में पानी आता है। क्या ये हमेशा यहाँ पे पानी भर रहता है? हमेशा आता है। कितना पानी भरता है बिल्डिंग में? ग्राउंड फ्लोर तक आ जाता है। ग्राउंड फ्लोर भर जाता है? हाँ, आधा भर जाता है। जो लोग रहते हैं उनको कहाँ पे भेजा जाता है? वो अपना सेटलमेंट ऊपर ही करते हैं, ऊपर ही जाते हैं। ये बस ट्रेलर है, अभी 48 घंटे बारिश का अलर्ट है, आज भी 23 बारिश का अनुमान है, कल तो भारी बरसात का अलर्ट है। हाई टाइड्स और मुश्किलें बढ़ा सकता है, समंदर में करीब 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। हम इसके लिए वार्निंग जारी रखे हैं। अभी नेक्स्ट 5 डेज के लिए आप देखें तो ये जो मुंबई और एडजनिंग एरिया है वहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकता है। मानसून से पहले सरकार से लेकर बीएमसी तक तैयारियों का खूब ढोल पीटती है, लेकिन बरसात होते ही ये कैसे फटता है आप खुद ही इसकी वानगी देख लीजिए। मुंबई से दिव्येश सिंह, मुस्तफा शेख के साथ विद्या आज तक। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हाई टाइड का अलर्ट है, कितने बजे हाई टाइड की संभावना जताई गई है, किस तरीके से अब इसके लिए मुंबई तैयार है, क्योंकि कल हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे ने कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया था, क्या तैयारी है? नेहा, 12:17 पर 4.26 मीटर के हाई टाइड का अनुमान है। अब अगर उस समय तेज बारिश होती है मुंबई शहर में, सबर्ब्स में, तो फिर यकीनन मुंबई वासियों के लिए मुसीबत एक बार फिर से हो सकती है। आज भी खतरा है, ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, यानी तमाम एजेंसीज को स्टेट ऑफ अलर्ट पे रहना है। और सिटी और सबर्ब्स के लिए बीएमसी ने कहा है मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड जगह पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। जो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जिसको नाम दिया गया है, ये अगले 4 दिन तक है, यानी खतरा मुंबई वासियों के लिए अगले 4 दिन तक है। रेलवे ने बोला है कि वो तमाम मशीनरी के साथ पहले ही तैयार है, क्योंकि कल हमने देखा था सड़कों के साथ साथ रेलवे ट्रैक्स में भी पानी भर गया था, तो रेलवे आज बता रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट कहता है कि वो अलर्ट मोड पे है। अब कल जब उद्धव ठाकरे ने वहां पर चीजों का जायजा लिया था तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्यादा अलर्ट हो गया है। फिलहाल तो बारिश नहीं है, तेज हवा भी चल रही है जिससे बादल छट गए हैं, लेकिन मानसून में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाई अलर्ट है, हाई टाइड आएगी 12:16 पर, तब देखना होगा स्थिति कैसी बदलती है, लेकिन मुंबई वासियों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा आज के दिन भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।